लास्ट में ये टॉपिक देखा था, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा देखा था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। अब नंबर ऑफ गैसेस मटेरियल हो गए और उसमें कोई प्रेशर लग रहा होगा, उसको बोला है पार्शियली प्रेशर। और टोटल प्रेशर है वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, तो ये फॉर्मूला दी है आपको, पी टोटल इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस अप टू इनफाइनाइट, मीन्स नंबर ऑफ गैसेस है और उसका जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है। सपोज मान लो कि नंबर ऑफ गैसेस में एक नाइट्रोजन लिया होगा, उसका प्रेशर P1 होगा, हाइड्रोजन लिया होगा उसका प्रेशर P2 होगा, मान लो कि ऑक्सीजन गैस लिया होगा तो उसका प्रेशर P3 होगा। ऐसे नंबर ऑफ गैसेस हो गए और अलग अलग उसके प्रेशर हो गए, मीन्स उस पर अलग अलग प्रेशर, उसका वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको लग रहा होगा, तो वो पार्शियल प्रेशर है। The pressure which these gases would exert if they were enclosed. अब ये मैसेज किसका आ रहा है भाई, ये सब चेंज कर दिया है इसने। If they were enclosed separately in the same volume and under the same conditions of the temperature in a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas is called partially pressure. अब मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें से इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है, मैंने जैसे आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर क्या है, कि इंडिविजुअल गैस है उसका जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है, और पी टोटल है वो क्या है, टोटल प्रेशर है, पी वन पी टू क्या है, पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअल गैस का। तो ये थियरी आपको नहीं पूछी जाती, पर इसके रिलेटेड सम आते हैं कि पार्शियल प्रेशर आपको दे दिया होगा और पी टोटल आपको फाइंड आउट करने को बोला होगा, या तो पी टोटल दिया होगा और उसके साथ अगर मॉइस्चर वाली कंडीशन है और कोई ड्राई गैस आपको दिया है पर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर का जो एक्वियस टेंशन है वो आपको दे दिया होगा और आपको कहा होगा कि ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करो। तो ये फॉर्मूला नीचे आपको दी है इसके लिए कि ड्राई गैस का प्रेशर और टोटल प्रेशर भी आपको दिया होगा, ओके, और एक्वियस टेंशन वाला एक्वियस टेंशन आपको दिया होगा। एक्वियस टेंशन किसके लिए आता है, वाटर के लिए आता है, अगर मॉइस्चर है गैस के साथ तो एक्वियस टेंशन में भी दिया होगा, आपको फाइंड आउट करने को बोला होगा कि ड्राई गैस है उसका प्रेशर फाइंड आउट करो, ओके, एक्वियस टेंशन दे दिया होगा, टोटल प्रेशर दे दिया होगा और आपको ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे। पहले तो एक्वियस टेंशन क्या है, ये प्रेशर है एक टाइप का जो वाटर के मॉलिक्यूल है, स्पेशली वाटर के मॉलिक्यूल है, उसकी डेंसिटी के रिलेटेड, उसके मास के रिलेटेड जो उस पर प्रेशर लगता है, ओके, ग्रेविटी की वजह से उसको प्रेशर लगता है, वो एक्वियस टेंशन है। पर वो हम लास्ट में आपको एक टॉपिक छोटा सा दिया है, उसकी कैलकुलेशन भी अलग तरीके से है, फॉर्मूला भी अलग है, तो वो हम देखेंगे एक्वियस टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्वियस टेंशन की वैल्यू दे दी होगी, इसलिए अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है कि इसकी फॉर्मूला क्या है, ओके, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि अगर ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टोटल प्रेशर होना चाहिए और एक्वियस टेंशन आपके पास होना चाहिए। ऊपर आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वॉटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। गैस है जनरली हम कलेक्ट करते हैं तो साथ में थोड़ी मॉइस्ट आती है, तो मॉइस्ट आती है उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर अलग होगा। प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वॉटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस विच कंटेन वॉटर वेपर ऑल्सो। बस सेम वही बोला है कि उसमें वॉटर वेपर या तो मॉइस्चर, हम बोलते हैं कि मॉइस्चर्ड गैस होगा तो उसका हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, ड्राई गैस का, ओनली ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो उसमें से हमें मॉइस्चर का जो प्रेशर है वो बात करना पड़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वियस टेंशन। एक्वियस टेंशन क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर
is called aqueous tension. उसको हम aqueous tension बोलते हैं. Aqueous tension of water at different temperature is given in table 5.3. आपको table एक दिया है और उसके according pressure कितना होगा अलग अलग temperature पर, तो वो भी आपको बताया है. पर वो याद रखने की जरूरत नहीं है, just information के लिए दिया है तो just हम देख लेंगे, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये टेबल दिया है, देख लेना अपनी तरफ से. पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, सपोज एट द टेंपरेचर T, थ्री गैसेस इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम V एक्सेप्ट पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली. अब टेंपरेचर T दिया है और उसका वॉल्यूम आपको दे दिया है कि उसका वॉल्यूम होगा V, और उसका पार्शियली उसका पार्शियल प्रेशर तीन गैस है, उसका अलग अलग होगा P1, P2 और P3, तीन पार्शियल प्रेशर है. तो उसके अकॉर्डिंग हर एक की वैल्यू आप ये फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर पाओगे. आपको N1, N2 और N3 अलग अलग लिया है कि उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स उसके अलग होगी. क्यों? मॉलिक्यूलर वेट उसका डिफरेंट है तो ऑब्वियस है उसके मोल अलग होंगे. ओके, N1, N2 एंड N3 आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस केसेस. गैस डिफरेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मास उसका डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली उसका मोल भी अलग होगा. थस एक्सप्रेशन फॉर द टोटल प्रेशर्स विल बी, तो टोटल प्रेशर हम एक्सप्रेस करें तो ये आपको पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 बताया है. कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. पार्शियल प्रेशर इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन सपोज एट द टेम्परेचर टी. ओके, ये हो गया. अब आपको इंडिविजुअली ऊपर फॉर्मूला दी है 5.25 वाली, 5.26 वाली और 5.27 वाली, जो ऑलरेडी हमने देख ली है. पर जस्ट आपको प्रेशर के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मूला क्या है, जस्ट आपको मोल फ्रैक्शन में, सॉरी मोल में चेंज करना है कि P1 प्रेशर है तो मे भी उसका मोल होगा N1, P2 प्रेशर है तो उसका मोल होगा N2 और P3 प्रेशर है तो उसका मोल होगा N3. टेम्परेचर और वॉल्यूम आपको कॉन्स्टेंट बोला है और ये भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है. ओके, ये भी तीनों कॉन्स्टेंट आपको दिया है कि वॉल्यूम वी होगा और प्रेशर डिफरेंट है, प्रेशर डिफरेंट है तो उसके मोल भी डिफरेंट होंगे. अलग अलग गैस है तो उसका मतलब है उसका मोल भी अलग अलग होगा. तो ये तीन फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट करी है. अब पी टोटल फाइंड आउट करा है P1 प्लस P2 प्लस P3 करके, समेशन करके, बाद में N1 प्लस N2 प्लस N3 करके RTV वो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल दिया है. ओके, इतना हो गया. अब उसने क्या करा है, ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल वी गेट. अब P1 है, ये P1 वाली वैल्यू है, ये P1 है, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, तो P टोटल से डिवाइड करना है. ओके, पी टोटल से डिवाइड करोगे तो पी टोटल आपको क्या मिला है, ये वाली वैल्यू मिली है. पी वन क्या है, पी वन क्या था, N1 RT अपॉन, देख लेते हैं एक बार वो वाली फॉर्मूला क्या है, आपको पता चल जाए. ये N1 RT अपॉन V. ओके, तो पी वन को आपको डिवाइड करना है P टोटल से, RT अपॉन N1 RT अपॉन V वो एज इट इज रहेगा और आपको अरेंज करना है. आप देख सकते हो कि N1 RT बाय V उसकी फॉर्मूला क्या थी, N1 RT बाय V. ओके, और आपको उसको डिवाइड करना है किससे, P टोटल से. तो P टोटल क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 और क्या दिया है आपको, RT by V. इसका मतलब है RT आपको नीचे लिखना पड़ेगा और V है वो कहां पर आएगा, ऊपर आएगा. ये V है वो ऊपर आएगा और ये वाला V है वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा. इसका मतलब है इसको हम रिमूव कर दे पहले, ये वाला V है इसको रिमूव कर दे और कहां जाएगा, नीचे हम लिखेंगे उसको. नीचे क्यों लिखेंगे, क्योंकि RT by V है तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं, तो V है नीचे आ गया. तो आप देख सकते हो कि RTV, इसका मतलब है ऊपर है RTV और नीचे भी है RTV. ये देख सकते हो RTV नीचे भी है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट कर देंगे. उसके बाद क्या बचेगा, N1, ये कैंसल आउट कर दो, इसको कैंसल आउट कर दिया, बचा क्या, N1
डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, मीन्स ये टोटल मोल है और ये एन वन, इसका मतलब है कि आपको क्या मिला, मोल फ्रैक्शन। जो हमने देखा था चैप्टर वन में मोल फ्रैक्शन क्या है, कोई एक मटेरियल का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, उसको हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट। कोई भी मटेरियल है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, पर मोल की फॉर्मूला है वो सेम रहेगी, कोई एक का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्योंकि ये गैसेस के रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे, सम आएंगे, तो उसमें ये पूछी जाएगी। n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, x1 इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, थस p1 इज इक्वल टू x1 इनटू p टोटल, p1 है। अब पार्शियली प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको बताया है कि p1 इज इक्वल टू x1 इनटू p टोटल, और अदर गैसेस के लिए भी आपको बताया है सिमिलरली फॉर दी अदर टू गैसेस वी कैन राइट x2 इनटू p टोटल और x3 इनटू p टोटल। p3 आपको फाइंड आउट करना है पार्शियली प्रेशर, तो आपको आपको पता होना चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। अगर मोल फ्रैक्शन पता है और पी टोटल पता है तो आप पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। सेम आपको कोई पी टू वाला मीन्स पी टू प्रेशर वाला कोई गैस दिया है, मान लो कि ये नाइट्रोजन का प्रेशर है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है, पर आपके पास मोल फ्रैक्शन उसका होना चाहिए और पी टोटल भी आपको पता होना चाहिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड आपको सम दिया है ये फॉर्मूला के रिलेटेड, पीछे ये देख सकते हो, ये नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर्स कंटेन 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन एंड 167.5 ग्राम नियॉन। मिक्सचर दिया है नियॉन डाइऑक्सीजन और उसमें आपको ये 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन दिया है और 167.5 ग्राम नियॉन दिया है, इसका मतलब उसका आपके पास क्या है, ये ग्राम में मींस वॉल्यूम आपको दिया है। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज 25 बार, अब प्रेशर आपको दे दिया है 25 बार है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन, नियॉन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अब विवेक मुझे प्रेजेंट भेज दो बेटा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन दी मिक्सचर। अब पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल आपके पास है नहीं, मोल फाइंड आउट करोगे, आपको ये ग्राम में वेट दे दिया है 70.6, ये किसके लिए है, डाइऑक्सीजन के लिए है, उसका मोलिकुलर वेट 32 ग्राम जो आपको याद है, ओके उसका मोल आपने फाइंड आउट कर लिया एन वन। सेम आपने नियॉन का भी मोल मोल फाइंड आउट कर लिया 167.5 डिवाइडेड बाई 20, क्यों 20 करा, क्योंकि नियॉन का मोलिकुलर मास क्या है 20, तो नियॉन का मोल आपको मिल गया। अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, एक का मोल आपको पता है, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये टोटल मोल पहले तो इसका समेशन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे दिया है कि डाइऑक्सीजन का मोल आपको 2.21 दिया है, तो टोटल मोल नीचे कर सकते हो ये 2+8 वाला, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन। सेम आप नियॉन के लिए कर सकते हो, नियॉन के लिए सेम ये कंडीशन अप्लाई होगी, पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल ऑफ नियॉन, नियॉन का मोल आपको 8 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो नियॉन का मोल फ्रैक्शन मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, नियॉन का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो 1 - 0.21, क्यों 0.21, क्योंकि ऑलरेडी आपको ओके ये अनडायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 है, तो 1 में से 0.21 डाइऑक्सीजन का मोल आप बात कर दोगे तो आपको 0.79 मिल जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो टोटल प्रेशर आपके पास है तो मोल फ्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन करोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा डाइऑक्सीजन का। सेम आपको नियॉन का भी पार्शियल प्रेशर इस तरह से मिल जाएगा। ओके तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम ये काइनेटिक एनर्जी वाला स्टार्ट करेंगे, और आपका असाइनमेंट देख लेना होमवर्क में, आज मैं लिखकर आपको भेज रही हूँ कि क्या आपको करना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला टॉपिक है वो आपको खुद को करना है, सेमिनार लेना है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो मुझे कॉल करना, हम आपको जूम पे इस सेमिनार में हेल्प